हेलो बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो मैंने आरएस अग्रवाल बुक से लिया हूँ। और चैप्टर्स का नेम है रियल नंबर्स, और ये जो चैप्टर है क्लास 10 की है, और जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चंस नंबर 23। नाउ सी द क्वेश्चंस। सिक्स बेल्स कम इन टॉलिंग टुगेदर्स एंड टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 बेल्स हैं जो एक साथ बजती हैं, और जो 6 बेल्स है उसका जो बजने का इंटरवल्स है, टाइम ऑफ इंटरवल्स, वो अलग अलग है। पहला बेल्स हर एक 2 मिनट में बजती है, दूसरा बेल्स हर एक 4 मिनट्स के इंटरवल में बजती है, तीसरा बेल्स 6 मिनट्स के इंटरवल में बजती है, चौथा बेल 8 मिनट्स के इंटरवल में बजती है, पांचवी बेल 10 मिनट्स के इंटरवल में बजती है, और जो छठी बेल है वो 12 मिनट्स के इंटरवल में बजती है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि ये 30 आवर्स में ये जो 6 बेल्स है एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक है, अब ये क्या कि सब्जेक्ट वाइज मैंने ये क्वेश्चंस आपको समझाया। अब इसको मैं क्या करते हैं, इसको एक इसको इसको मैं चार्ट में समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है। ठीक है, तो चार्ट बनाया है तो बेल नंबर 1, बेल नंबर 2, बेल नंबर 3, बेल नंबर 4, बेल नंबर 5 और बेल नंबर 6 को मैं एक बेल नंबर 6 को मैं क्या किया, एक रो पे लिखा हूँ, और जो टाइम ऑफ इंटरवल से इसको मैं कॉलम पे डाला हूँ। ठीक है, तो बेल नंबर 1 क्या है कि हर एक 2 मिनट्स के इंटरवल में 2 मिनट बज रही है। तो पहला क्या कि पहला 6 बेल्स एक साथ बजी, तो दूसरी बार बेल नंबर 1 कब बजेगी, 2 मिनट्स के इंटरवल में, फिर 4 मिनट में बजेगी, भी 6 मिनट्स में, 8 मिनट्स में और 10 मिनट्स में, क्या हर एक 2 मिनट्स के इंटरवल में बज रही। उसी तरह बेल नंबर 2 है, इनिशियली सबके साथ एक बार बजी, दूसरी बार कब बजेगी, 4 मिनट्स के इंटरवल में। मतलब मैंने क्या किया, हर एक 4 मिनट्स के इंटरवल में टाइम मेंशन कर दिया। ठीक है, बेल नंबर 3 है, दूसरी बार कब बजेगी, 6 मिनट्स में, तीसरी बार 12 मिनट्स में, मतलब हर एक 6 मिनट्स के इंटरवल में बज रही है। बेल नंबर 4 दूसरी बार कब बज रही है, 8 मिनट्स के इंटरवल में, फिर इसके बाद 16 मिनट्स में बजे 24, मतलब हर एक 8 मिनट्स के इंटरवल में मैंने इसको मेंशन किया है। इसी तरह बेल नंबर 5 दूसरी बार 10 मिनट्स में बज रही है, तीसरी बार 20 मिनट्स में, मतलब हर एक 10 मिनट्स के इंटरवल में बेल नंबर 5 बज रही है। बेल नंबर 6 इनिशियली सबके साथ बज रही है, दूसरी बार कब बजेगी, 12 मिनट्स के इंटरवल में, फिर 20 मिनट, 4 मिनट्स में बजेगी, 36 मिनट्स, मतलब हर एक 12 मिनट्स के इंटरवल में बजेगी। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चंस में दिया गया है। ठीक है, और इसी को मैं और इजी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए कि बेल 6 नंबर्स ऑफ बेल्स नहीं है, 2 नंबर्स ऑफ बेल्स है। ठीक है, तो 2 नंबर्स ऑफ बेल्स है, तो सपोज मान लेते हैं कि बेल 1 और बेल 2 इनिशियली एक साथ बज रही है, तो बेल नंबर 1 दूसरी बार 2 मिनट्स में बजेगी, 4 मिनट्स में बजेगी, 6 मिनट्स में बजेगी, 8 मिनट्स में और 10 मिनट्स में बजेगी, मतलब हर एक 2 मिनट्स के इंटरवल में बज रही है। उसी तरह बेल नंबर 2 इनिशियली बेल नंबर 1 के साथ एक साथ बजी, दूसरी बार क्या 4 मिनट्स में बजी, 8 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, 16 मिनट्स में और 20 मिनट्स में, इस तरह से हर एक 4 मिनट्स के इंटरवल में बेल नंबर 2 बजेगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि बेल नंबर 1 और बेल नंबर 2 4 मिनट्स में, जब बेल नंबर 1 तीसरी बार बजेगी, उस टाइम बेल नंबर 2 दूसरी बार 4 मिनट्स में एक साथ, मतलब 4 मिनट्स में दूसरी बार बज रही है, मतलब कि 4 मिनट्स में बेल 1 और बेल 2 एक साथ बज रही है। इसी तरह आप देखिए 8 मिनट्स में बेल नंबर 1 पांचवी बार बज रही है, तो बेल नंबर 2 तीसरी बार बज रही है, मतलब 8 मिनट्स में बेल नंबर 1 और बेल नंबर 2 एक साथ बज रही है। तो क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है कि जो बेल नंबर 1 से लेकर 6 तक है वो 30 आवर्स में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आफ्टर द बिगनिंग द नेक्स्ट टाइम व्हेन ऑल द 6 बेल्स टॉलिंग साइमल्टेनियसली, मतलब क्या, इनिशियली 6 बेल बजने के बाद नेक्स्ट टाइम वो 6 बेल्स कितना बजे बजेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मैं एलसीएम लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो इसका मैं प्राइम फैक्टराइज किया, तो जब प्राइम फैक्टराइज मैंने जब किया तो कितना आया, दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स आया। ठीक है, 120 मिनट्स
मिनट्स आया। अब 120 मिनट्स को मैं क्या करता हूँ, हमको पता है कि 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर्स होता है, इसी तरह 120 मिनट्स इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिवाइड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 2 आवर। मतलब क्या कि इनिशियली 6 बेल्स बजने के बाद नेक्स्ट टाइम कब बजेगा, 2 घंटा के बाद बजेगा। मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, इन एवरी 2 आवर्स ऑल द 6 बेल्स टॉलिंग साइमल्टेनियसली, मतलब हर एक 2 घंटा के बाद वो 6 बेल्स एक साथ बजेगी। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि 30 आवर्स में कितना बजेगी, कितना बार बजेगी, इन 30 आवर्स नंबर ऑफ टाइम्स टॉलिंग टुगेदर दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हर एक 2 घंटा के इंटरवल में बज रही है, और प्लस क्या हो गया, एक बार कब बजा, एट द बिगनिंग ऑल द 6 बॉल्स टॉलिंग साइमल्टेनियसली, बिगनिंग में क्या हुआ, 6 बॉल्स एक साथ बज रही है, तो कितना हो गया टोटल, 15 प्लस 1 दैट इज 16 टाइम्स। मतलब क्या हो गया, इन 30 आवर्स ऑल द 6 बेल्स टॉलिंग साइमल्टेनियसली इक्वल टू 16 टाइम्स। तो ये जो 16 टाइम्स के को मैं और दूसरी तरह से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी क्या किया, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, ठीक है, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, एक तरफ में एक कॉलम्स में मैंने आवर्स किया और एक कॉलम्स में नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन किया, ठीक है। तो मान लीजिए 0 आवर्स में 6 बेल एक साथ बजा, मतलब उस टाइम एक बार बजी, फिर एवरी 2 आवर्स में मैंने इसको इस कॉलम्स को लिखा हूँ, एवरी 2 आवर्स में लिखा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है, क्योंकि 30 आवर्स तक का पूछ रहा है और हर एक 2 घंटा का इंटरवल्स में मैंने कॉलम्स में मेंशन किया हूँ। तो जब 0 टाइम्स में एक बार बजा, 2 आवर्स में 2 बार बजा, 4 आवर्स में 3 बार बजा, 6 आवर्स में 4 बार बजा, 8 आवर्स में 5 टाइम्स बजा, 10 आवर्स में 6 टाइम बजा, 12 आवर्स में 7 टाइम्स बजा, 14 आवर्स में 8 टाइम्स बजा, 16 आवर्स में 9 टाइम्स बजा, 18 आवर्स में 10 टाइम्स बजा, 20 आवर्स में 11 टाइम्स बजा, 22 आवर्स में 12 टाइम्स बजा, 24 आवर्स में 13 टाइम्स, 26 आवर्स में 14 टाइम्स, 28 आवर्स में 15 टाइम्स और 30 आवर्स में 16 टाइम्स बजा, ठीक है। अब आप लोग को अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 16 टाइम्स कैसे बज रहा है। तो ये क्या है कि ये जो मैंने जो चार्ट बनाया है वो आपको मैं समझाने के लिए बनाया हूँ, लेकिन आप आंसर्स यहाँ तक लिखने से ही चलेगा कि इन 13 आवर्स 16 टाइम्स ऑल द बेल्स टॉलिंग टुगेदर। थैंक यू।